हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोंद और आटे के लड्डू। दोस्तों, ये लड्डू सर्दियों के मौसम में फ़ायदा भी करते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। तो दोस्तों, गोंद का लड्डू बनाने के लिए हमने ये 50 ग्राम गोंद ले लिया है। अब इसको सबसे पहले हम भूनेंगे, जिसके लिए हम कढ़ाई गैस पर रखते हैं घी डालकर। तो दोस्तों देखिए, घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम गोंद डालेंगे, इसको हम मीडियम आंच पे भूनेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा गोंद भून गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी का सारा गोंद भी हम इसी तरह भूनकर तैयार कर लेंगे। हमने देखिए सारी गोंद भून ली है। अब घी हमारा जो है उसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। अब देखिए, हमने एक कटोरी आटा ले लिया है, इसको भी हम इसी में भून लेंगे। दोस्तों, गोंद को भूनते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मैं गैस को थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि आटा हमारा जले नहीं और अच्छे से भून जाए। देखिए, आटा हमारा भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इससे अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए, इसको हम एक पॉट में निकाल लेते हैं। अब हमारा गोंद ठंडा हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा हम तोड़ लेते हैं। हमने एक बेलन ले लिया है, जिससे हम इसको बटर लेंगे, भून जाएगा। दोस्तों देखिए, गोंद हमारा सब टूट गया है। अब चलिए, इसको हम आटे में डाल देते हैं। आटा भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, हमें एकदम ठंडा नहीं करना है। हमने थोड़े से ड्राई नट्स काटे हैं, उनको हम डाल देंगे। आधी कटोरी हमने पिसी हुई चीनी ले ली है, जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से चीनी ली है, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब चलिए, इससे हम लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो चीनी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, इसका हम लड्डू बना लेते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं, जिससे आसानी से आपके लड्डू बन जाएंगे, या आप चाशनी बनाकर भी लड्डू को बांध सकते हैं। देखिए, हमारा ये लड्डू बन गया है, इसी तरह हम बाकी के सारे लड्डू भी बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही